गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल नमी एंड टेडी ब्लॉग में। मैं नमी, ये टेडी और ये दीदी है। सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब हमको ब्रेकफास्ट करने चलना है। तो हम अभी सबका वेट कर रहे हैं, सब लोग आ जाते हैं तो हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस होटल में क्या क्या है ब्रेकफास्ट की चीजें, अगर हम कैप्चर कर पाए तो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमने नहीं लिए हैं। टेडू है, थोड़ा आज तंग कर रही है, तो देखिए अगर मैं वीडियो बना पाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ तो फिर कुछ और दिखाऊंगी। आज हम चल रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने, तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ कोई तो आया तैयार होके। डुगू बेबी रेडी होके आ गए, अभी अम्मा लोग आ रही होंगी, फिर चलते हैं हम। क्या हुआ बाबू, क्यों शर्मा रही हो? ब्रेकफास्ट की टेबल पे टीडू बहुत तंग कर रही थी, कैमरा यूज नहीं करने दे रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और हम यहाँ लिफ्ट में आ गए हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाहर चलेंगे। और ये हमारे रूम से दिखता है बाहर रोड की तरफ, और इसे एकदम सटा हुआ है जंतर मंतर। मैंने रूम से आप बाहर देख सकते हो तो जंतर मंतर दिखेगा आपको। तो हम लोग दिल्ली की गलियों में निकल गए हैं, अभी दिल्ली की सड़कों में ही थोड़ी देर में गलियों में जाएंगे। तो चलिए, कितना मजा आ रहा है। बाबू को लेके दिल्ली की गलियों में शूट करना बहुत ही मुश्किल का काम था, तो हमने शूट नहीं किया और सीधे शाम को होटल में आ गए। अब हम बाहर खाना कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे। ये डिश है तंदूरी मोमोज, जो हमें बहुत खाने का मन था। हम लास्ट टाइम जब दिल्ली आए थे तो खाए थे, फिर उसके बाद हमें कहीं और नहीं मिला। उसके बाद ये हम सब अपना सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह हमको फिर शॉपिंग के लिए निकलना है। फिर उसके बाद शॉपिंग के बाद फिर हमें फटाफट ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़ के 12 बजे तक घर पहुँच जाना है। तो देखिए, और आज दीदी का बर्थडे भी है, तो हमको पार्टी करने का भी इरादा था, लेकिन हमें इतनी पैकिंग करनी थी, हमारा इतना सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, हमें वो भरना ज़रूरी था। उसके बाद हम पार्टी नहीं जाएंगे, सोएंगे। तो हो गई है अगले दिन की सुबह, हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं, मतलब अम्मा पापा मैं, और सारा सामान भी पैक हो गया है, बच्चे लोग भी रेडी हैं, और हम सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट करने जाने का, क्योंकि अभी दीदी लोग आए नहीं हैं, वो आ जाएंगे तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हमारा चेकआउट का प्रोसेस भी शुरू ही हो जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आज मेरा बर्थडे सूखा जा रहा है, और आज हमारे ट्रिप का आखिरी दिन है, और आज रात में हमारी ट्रेन है। मेरा बर्थडे मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मेरा बर्थडे चाहिए। चलिए केक देते हैं। टेडू बोलते हैं ना, मम्मी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे बर्थडे, मेरा वैसे मेरा बर्थडे चाहिए, बर्थडे चाहिए। ऐसे सुखा नहीं जा सकता मेरा बर्थडे। नहीं जाएगा, अभी हम लोग चल लेंगे कल वाली शॉपिंग थोड़ी सी बस गई थी, तो हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज का मौसम थोड़ा गलन वाला है, आज थोड़ी ठंडी लग रही थी, कल तो ठंडी नहीं लग रही थी, कल हाँ जितनी ठंडी उदयपुर में थी उतनी ठंडी इधर तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो आज थोड़ी ठंडी है। आज के दिन शॉपिंग ही करना है, शॉपिंग करके ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है अगर पॉसिबल हुआ तो। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो
फिर हम बाहर जाने के लिए होटल से बाहर निकल रहे हैं और ये हम जंतर मंतर के बगल से गुजर रहे हैं क्योंकि वो अपने होटल के बगल में ही है ना, तो जैसे ही ऑटो से निकलो वो तुरंत ही दिख जाता है। होटल से चेकआउट हो गया है, हमारी टैक्सी भी आ गई है और हम वेट कर रहे हैं बंधु दीदी के बुलाने का। भैया रुक जाइए, सामान आ रहा है। कोई मुश्किल नहीं, रुक जाओ। आ रहे हैं बाबू चाचा। तो ये फाइनली हम हमारी कैब में बैठ गए हैं स्टेशन जाने के लिए। हमारे वापस जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी कि ट्रैवलर से जाएं या ट्रेन से जाएं या फ्लाइट से जाएं, तो अभी हमको ट्रेन से जाने के लिए टिकट बहुत लेट से लेना पड़ा। तो हमारी सीटें बहुत अलग अलग हैं, कुछ इस बोगी में है, कुछ अगले में है, कुछ अगले में है। तो यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं कि सेटल हो जाए। फिर मैं और दीदी और टीडू दूसरे बोगी में आ गए थे जहाँ पर हमारी 3 सीटें थी। तो यहाँ पर हम लोग हैं और स्नैक्स आ गया है। और हमारी एक सीट मिडिल में थी, तो मिडिल वाले भैया ने एक्सचेंज करके हमें ये वाला सीट दे दिया था। तो उनके बच्चों के साथ बाबू ऐसे मज़े ले रही थी ना, मतलब पूरे आसपास के लोगों को एकदम खुश करके रख दिया था। मुझे भी बहुत मज़ा आया। वो वीडियो और बातचीत बहुत लंबी थी तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी है। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। गिर जाएगी बेटा, गिर जाएगी। डांस नहीं, बात करो, बात करो, बैठे बैठे कर, डांस करो, डांस करो, दीदी।
मेरा नहीं, इनका है, इनका ब्लॉग है। रात को 3 बजे मैं जा रही सोने। मम्मी आना। बाय गुड़िया। वो देखो जा रही सोने। आप खाना? नहीं खा लिया। बातें और मस्ती करते करते हमारे डिनर का टाइम हो गया था, तो हमारा डिनर भी आ गया और सब हम लोग खा रहे थे। वो सामने वाली फैमिली नहीं खा रही थी क्योंकि वो प्रॉपर जैन धर्म को मानते हैं, इसने तो वो यहाँ का मिक्स वाला वेज नॉन वेज नहीं खा रहे थे। तो हम अपना डिनर ख़त्म कर लेते हैं फिर बात करते हैं। पूछ रहे बुआ खाना खाओगे? अपना नाम तो बताओ। खुशबू। खुशबू अम्मा लेटी हुई है। ये लगी हुई है आइसक्रीम में। चॉकलेट होता तो हम तो खाता भी नहीं। मैं भी नहीं खाता क्योंकि वेनिला अच्छा होता है ना, टेस्ट भी अच्छा होता है। ठंडा ठंडा हाँ ये अच्छा लग रहा है। दूध चम मिलता ही है। देखा डेली बता रहा था ना 10 मिनट। क्या है कामपुर? कामपुर चल भी गया। बाबू सुनो सुनो सुनो, देखो दीदी बुआ खेल रही है ना, बात करो बुआ से। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, यहाँ पे पार्टी हो रही है। देखो ये दीदी मेरे को। अब हम जा रहे हैं ना हमारा अराइवल। हमारी ट्रेन की जर्नी यहीं तक थी, हम इलाहाबाद स्टेशन पहुंच गए हैं। तो हम अपनी ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलिए अगले व्लॉग में इलाहाबाद में।